हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के लिए देश में चल रहे विभिन्न ऐसे कार्यक्रम जो कि पनडुब्बी से जुड़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने देश में ही पनडुब्बी के निर्माण को लेकर के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के का फैसला किया है। भारतीय नौसेना की 30 साल की पनडुब्बी निर्माण योजना को पहली बार 1999 में कारगिल युद्ध के समय के आसपास तैयार किया गया था और भारत सरकार द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया था। इस योजना में वर्ष 2030 के अंत तक 24 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल था। परियोजना 75 और परियोजना 75 आई कोड नामों के साथ दो अलग अलग पनडुब्बी निर्माण लाइनें थीं। कुल 24 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जिनमें से 18 मरीन पारंपरिक पनडुब्बियाँ होंगी। हालांकि बाकी 6 पनडुब्बियाँ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बियाँ होंगी जो युद्ध के दौरान काम आएंगी। वर्तमान में भारतीय नौसेना में पारंपरिक प्रकार की 14 पनडुब्बियाँ हैं, लेकिन ये सभी एक ही समय में काम नहीं करते हैं। इनमें से केवल आधी पनडुब्बियाँ लगभग 7 की तरह किसी भी समय काम कर रही होंगी। इस योजना के तहत भारत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भी विकसित कर रहा है। गौरतलब है कि आप लोग जान रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में ही 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से 5 को जो है सी में उतार दिया गया है। 4 भारतीय नौसेना में शामिल हैं और 5वीं इसी ट्रायल के लिए पिछले दिनों निकल गई थी। 6ठे का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि अगले साल तक इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली विशेषताएं इनकी जो है स्टील्थ विशेषताएं हैं। यह आसपास के वातावरण में जो शोर करती हैं वह काफ़ी कम है और ऐसी पनडुब्बियों में उपयोग की जाने वाली साइलेंसिंग तकनीक काफ़ी उन्नत है। यह इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 अल्फा के का भी जिक्र किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना इस परियोजना के तहत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां प्राप्त करना चाहती है। ऐसी 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत सरकार की मंजूरी के बाद फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। परियोजना 75 में और 75 आई दो स्वतंत्र पनडुब्बी निर्माण लाइनों के कोड नेम थे, यानी कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 आई दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट 75 अल्फा अलग प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 परमाणु पनडुब्बियाँ बनाई जानी थी, जिनमें हथियारों, आधुनिक सेंसरों, ईंधन सेल पर आधारित एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेशन प्लांट, नई मिसाइलों और दुश्मन के जवाबी कार्रवाई के उपायों से सुसज्जित होंगी। नवीनतम पनडुब्बियों और आधुनिक तकनीकों के डिजाइन भारतीय नौसेना के परियोजना 75 अल्फा का हिस्सा बनने वाले थे। इस योजना का उद्देश्य भारत यह था कि जो भारत में निजी क्षेत्र हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ावा मिल देना, ताकि वो भविष्य के युद्ध के समय में भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जटिल प्रणालियों का डिजाइन और निर्माण कर सके। परियोजना 75 अल्फा के माध्यम से पनडुब्बी भागों और प्रणालियों के निर्माण में उद्योगों का विकास हो सकता है। क्योंकि जब तक इस परियोजना को हरी झंडी नहीं मिलेगी, जब तक भारत सरकार इसको बढ़ावा नहीं देती, तब तक कैसे निजी क्षेत्र जो है इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सके। प्रोजेक्ट 75 अल्फा भारतीय इस नौसेना का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। 2015 में और 2017 में इसकी मंजूरी मिल गई थी। धन्यवाद।